नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं हमारा आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल। आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हम ये जो खबर लेकर आए हैं आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बता दें कि एक और खुशखबरी मिलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है कि ऐलान किया गया है। जैसा कि आपको हम ले चलते हैं खबरों के तरफ, उससे पहले आप अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए हम सीधा आपको खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा, यानी फिर एक बार जो है कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ाने के लिए कह रही है। ऐलान किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी जो मानदेय बढ़ा है वो पिछला बकाया का भुगतान है। 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वितरण, यानी 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फ़ोन का वितरण किया गया है और जो मानदेय बढ़ाया गया है वो पिछला बकाया मानदेय था, इसको फिर बढ़ाने के लिए एक बार जो है कि कहा जा रहा है। आइए हम विस्तार से इसको देखते हैं। प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं के लिए अच्छी खबर, उनका मानदेय एक बार फिर बढ़ाने जा रही है सरकार। यानी बताया जा रहा है कि एक बार और मानदेय बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण अभियान के तहत मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में यह ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महीने पहले मैंने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बकाए मानदेय का भुगतान किया जाए। विभाग ने जो कार्रवाई की उसे लोगों ने बढ़ा हुआ मानदेय समझा, ये तो पिछला वाला था। अभी सरकार उनको और भी देने जा रही है। 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि स्मार्टफोन से ये कार्यकर्तियाँ स्मार्ट बनेंगी। इससे शिशु मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। योगी ने कहा कि 4 साल पहले यही कार्यकर्ती धरना प्रदर्शन के लिए बदनाम थी, लेकिन अब मैं वर्कर आशा एएनएम के तहत जो जानता था, हमने इस ताकत को कोरोना के दौरान आज मनाया। उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे विश्व में सराहा गया। यानी इन्होंने बताया कि जो कोरोना काल में आंगनबाड़ी और आशा बहनें जो है कि अपनी ताकत दिखाई हैं, उससे जो है कि पूरे विश्व में आज जो है उत्तर प्रदेश को जाना जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सराहते हुए जो है कि मानदेय बढ़ाने के लिए एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ऐलान किया गया है। अब ये देखना है कि उनकी मानदेय कितना बढ़ाया जाता है और कितना वृद्धि किया जाता है, अब तो ये बढ़ने पे ही पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य बहनों के साथ शेयर कर दीजिए। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।